एक खबर है झारखंड से। रामगढ़ बाजार में कपड़ा दुकानदार को चेतावनी देने पर पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया गया। बाजार में थाना के अवर निरीक्षक रोहित मीज एवं अन्य पुलिस कर्मियों को गाली देने का भी आरोप है। दुमका रोड में प्रारंभ से ही कुछ कपड़ा दुकानदार दुकान का शटर खोलकर ग्राहक को अंदर बुलाकर कपड़ा बेच रहे थे। पुलिस को लगातार इसकी शिकायत मिल रही थी। जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी रूपेश कुमार बाजार पहुंचे और जिन दुकानों को खोलने के लिए अनुमति नहीं है उनके संचालकों को कड़ी हिदायत दी। कपड़ा दुकानों का भी निरीक्षण करने थाना प्रभारी पहुंचे, लेकिन तब तक सभी संचालक दुकान बंद कर निकल गए थे। थाना प्रभारी ने कहा कि पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करने वाले दुकानदार की पहचान की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत 13 मई तक आंशिक लॉकडाउन लगाया है। कई दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है, बावजूद रामगढ़ में अधिकांश दुकानों का आधा शटर खुला ही रहता है। जैसे ही पुलिसकर्मी नजर आते हैं दुकान का शटर नीचे गिरा दिया जाता है।